गठबंधन अभी के समय में समय के मांग बढ़ुए और गठबंधन के आधार पर जब सब लोग एकजुट हुई तब वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडा पर चले वाला एनडीए के हरावल जा सकेला। ये बात अब खुल के रघुवंश प्रसाद कहता रहे। रघुवंश प्रसाद लगातार सक्रिय हो गए बड़े और रघुवंश प्रसाद लालू प्रसाद के बहुत पुरनिया साथी हवे और समाजवाद के एगो बड़ा धड़ा मानल जाले। रघुवंश प्रसाद बहुत मुखर होकर बोले ले उनका पार्टी और समाज दोनों के सामंजस्य बैठावे के पुरोधा मानल जाला। रघुवंश प्रसाद बेबाक बात बोले ले चाहे वो केहू विषय के विषय में बोले के होके। अभी हाल फिलहाल में भी तेज प्रताप यादव के एगो ट्वीट पर जौना पर वो खुद के शेर और अपना माता श्री के दुर्गा रूप में दिखा के राम विलास पासवान पर हमला करे के जो अथी कार्टून प्रस्तुत कैले रहन वो कार्टून पर भी वो काफ़ी गुस्सा में रहन और डांट फटकार भी कैले रहले हैं कि लालू प्रसाद के राजनीति एह तरीका के ना रहा। अगर कोई गलत बोलत रुए तो वो ओकर मर्जी, लेकिन मर्यादा बरकरार रहे चाहिए। संसदीय मर्यादा के कभी भी लालू प्रसाद पार नहीं खन कैले। वो मर्यादा में रह के लालू प्रसाद आज गरीब के गुरबा के नेता बने, सामाजिक समृद्धि और समाज के लोग के ऊपर उठावे में मुखर बनावे में बोले खाती लालू प्रसाद तैयार के लिए ओकरा पीछे सबसे बड़ा कारण ही रहे कि वो कभी भी संसदीय मर्यादा के तार तार ना कैले। रघुवंश प्रसाद के एगो बयान बहुत ज़्यादा कांग्रेस खाती उत्साहित करे वाला बा। लगातार कांग्रेस जहाँ यह बात के लेके पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित बढ़ुए कि राहुल गांधी के ही आवे वाला 2019 के चुनाव में जीत दर्ज कैला के बाद प्रधानमंत्री बनावे के बढ़ुए, वही रघुवंश प्रसाद के बयान से कांग्रेस के बहुत बल मिलल हुई। रघुवंश प्रसाद सीधे सीधे कहले हैं कि उत्तर प्रदेश में जौन भी गठबंधन भैला वो गठबंधन उचित नहीं है, अभी के परिप्रेक्ष्य में एकरा के कहीं से भी सहमति देहल उचित नहीं है, ऐसे कि साझा विपक्ष देश बचाओ और संविधान बचाओ के तरफ बढ़ रहा बढ़ुए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल के देश के आंदोलित करते हुए देश के लोग के साथ छल करते हुए जुमलेबाजी करते हुए कोई भी विकास के काम नहीं हो सब कुछ ठप बढ़ुए और समाज के बंटवारा हो रहा बढ़ुए। एक बात से त्रस्त हर वर्ग बढ़ुए, चाहे वो किसान हो के नौजवान हो के सैनिक हो के कोई भी हो के महिला हो के पुरुष हो के कोई भी छोटा उद्यमी साफ उद्यम बंद बढ़ुए। बिहार की स्थिति और दयनीय हो गई बात जब से नीतीश कुमार एनडीए में गई बड़े। ये सब बात के लेके अब देश के पूरे विपक्षी के एकजुट होकर के और जवाब देवे के समय रहा। वो घड़ी अगर मान लेते नहीं कि यह तरीका के कोनो संबंध बनत रुए गठबंधन बनत रुए तो ओकरा के सही जायज ना ठहराव जा सकला। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहले है रघुवंश प्रसाद कि कांग्रेस के बिना साझा विपक्ष के कल्पना भी बेमानी बढ़ुए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बढ़ुए और कांग्रेस में एक से एक पुरनिया पुरोधा नेता बनल। कांग्रेस के हाशिए पर रख करके अगर कोई राजनीति करत रुए तो सरासर गलत बढ़ुए। अगर भारतीय जनता पार्टी के मात देवे के बढ़ुए तो ओकरा खातिन रास्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस से होकर के जाला और कांग्रेस वो डोरी बढ़ुए जौना में सारा विपक्ष के एक सूत्र में पिरो के बांध के लेके चल सकेला। यह बात के रघुवंश प्रसाद के आवे वाला भविष्य के राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़े वाला बढ़ुए। ये बात सीधे सीधे तेजस्वी यादव के बयान के बनिस्पत भी देखल जा सकेला जौना में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बने पर चुप्पी साध ले रहे हैं और दूसरा तरफ मायावती के प्रधानमंत्री बने वाला बात पर चुटकी लिया हुए। रघुवंश प्रसाद पुरान राजनीतिज्ञ बढ़न और स्थिति और परिस्थिति के खूब अच्छा तरह से समझाता रहन। यह बात पर राजद में कितना असर पड़त रु और महागठबंधन कितना संतुलित रहते हुए ये काफ़ी असर करी। फिर कोनो खबर लेके हाजिर होकर तब तक खाती इजाजत दी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।